और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर रहेगी। दरअसल रेल मार्ग से अब चार धाम यात्रा को जोड़ा जाएगा। यात्रा को रेल मार्ग से कनेक्ट करने की कवायद तेज हो गई है, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार इस ओर प्रयास कर रही है। रेल कनेक्टिविटी को लेकर जहां सरकार काम कर रही है, धर पर्यटन को भी बढ़ावा रेल कनेक्टिविटी से मिलता दिखाई देगा। मार्ग के जनपदों के स्थानीय लोगों को भी यहां से लाभ होगा, क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए जहां लोगों को अब कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन ऐसे में अब उत्तराखंड की सरकार ये फैसला लेने का निर्णय बना रखी है कि रेल कनेक्टिविटी से चारों धाम यात्राओं को जोड़ा जाए, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा मार्ग के जनपदों के स्थानीय लोगों को भी इससे लाभ होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा की अगर बात करें तो इसी साल हमने देखा कि हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं, और ऐसे में अब सड़क मार्ग से चूंकि जब यात्री पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो कई परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनसे यात्रियों को जूझना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ये निर्णय ले रही है कि चार धाम यात्रा को भी रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि कैसे उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाया जा सके, कैसे यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है दोनों ही सरकार, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि एक परियोजना जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की जिसका सर्वे हो चुका है, जिस पर काम चल रहा है, कई जगह टनल बनाई जा रही, कई जगह पुल बनाए जा रहे हैं और कई जगह पर रेलवे स्टेशन बनाए जा चुके हैं। इस योजना का तकरीबन 70% लगभग जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक काम हो चुका है, बाकी इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जब ये कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग पहुंचेगा तो दूसरा जो एक और परियोजना जिस पर सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है कि चार धाम के जो यात्रा वाले जो मार्ग हैं, इन मार्गों को कैसे इस रेल कनेक्टिविटी मिल सकती है, कैसे जो धार्मिक पर्यटक है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इस सहूलियत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको, यात्रियों की सहूलियत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि कई और ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें भी थोड़ा सा धरातल पर उतारने में वक्त लगेगा, जिनकी प्रक्रिया अभी भी गतिमान है हम कह सकते हैं। अब देखना होगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां, ऐसे में सुरंग बनाना, ऐसे में पुलों का निर्माण करना और यहाँ की जो नैसर्गिक सौंदर्य है, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखना, यानी एक संतुलित इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल व्यवस्था के तहत जो है कैसे इस परियोजना को चार धाम यात्रा मार्ग से जोड़ा जाएगा, कैसे चारों धामों से कनेक्टिविटी की जाएगी, ये थोड़ा सा एक चुनौती भरा जरूर है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि एक संतुलित व्यवस्था के तहत जो है इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा। और जब ये परियोजना धरातल पर उतारी जाएगी तो निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन भी उनके लिए सृजित होंगे, इसके साथ साथ यहाँ का धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो एक सपना है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के, खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का, कि पहाड़ों में ट्रेन पहुंचे, वो सपना भी साकार हो सकेगा। अब देखना होगा कि आखिर कितनी गंभीरता से अधिकारी इस कार्य को धरातल पर उतारेंगे और कब तक ये परियोजना जो है वो सुचारू हो पाएगी। बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात होगी कब तक आखिरकार इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाएगा और इससे कितना लाभ आने वाले समय में उत्तराखंड वासियों को और उन सभी श्रद्धालुओं को होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।